हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन वन मोर एपिसोड ऑफ दिस पी वाई क्यू नीट एंड एम्स. टुडेज चैप्टर इज इवोल्यूशन. वेलकम. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. आई थिंक आई एम 2 मिनट लेट ऑन माई बिहाफ, सॉरी फॉर दैट. आई नो यू आर मेनी ऑफ यू आर वेटिंग एंड मेनी ऑफ यू इवन डोंट बॉदर दैट वॉट इज गोइंग ऑन एंड ऑल दैट. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. टू स्टूडेंट्स आई कैन सी हियर. वन इज अच्युत बुलबुले सेइंग हेलो हाई समथिंग इन बिटवीन द टू. इट इज हाई ओ एंड ईशा पाटिल. हाई वेलकम बोथ ऑफ यू. सो टूडेज चैप्टर इवोल्यूशन. Quite is what I can say regarding this chapter. This is the one where you require plenty of memorizing as well as plenty of conceptual understanding. Both of the things are there. So many students who hate memorizing things, they hate this chapter. And those students who hate the conceptual understanding, they also hate this one. So this is the chapter among 38 which most of the student has some or other reason to hate. Okay, so whatever, we are here to complete the PYQ. What else I can say? Otherwise, Isha will say that sir, lecture देने का काम तो last में होता है, तभी है तो पहले ही शुरू कर रहे हो. So Isha को chance बगैर दिए चालू करते हैं आज का first question. So I think audio video signals are running fine. So let us start the session. So here. First question, which one of the following represent the order of the horse? Now in the evolution chapter, there is one just single line regarding this horse evolution. It is stated that evolution of horse means after in the discussion or after the discussion of human evolution, there is just one single statement regarding the horse evolution, that it is a separate story of evolution. So you can see question is from 2017. तो उतना बस एक लाइन दे करके रखा है कि हॉर्स की इवोल्यूशन की स्टोरी अलग से है एंड यू विल कम अक्रॉस इट समवेयर एल्स. ओके, मतलब हायर स्टडीज में या फिर बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में अगर आप करियर बनाते हो तो आपको ये आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो वो नहीं है. इंस्पाइट ऑफ दिस ये पूछा गया है. दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग. तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि जो आपको अगर इसके बारे में अगर याद करना है, सो आई कैन टेक इट हियर फॉर यू. हियर्स इट. सो यू कैन टेक डाउन दिस वन. Order for this horse, it is Perissodactyla. Then family is Equidae. Genus is Equus. You might have heard this genus, Equus. Okay. Species is Ferus and subspecies is Caballus. Okay. So order, we can see the very first option. Let me pick up the proper pen color as well, because the background today I have experimented trying to make it something looking nice to the eyes. Okay, so first one is the option, it is Perissodactyla, it is the order of the horse. Okay, go for the second one. Meanwhile, anybody join in? Koi aaya kya ghar ke andar? Yes, Vaishnavi Dhaade, after long gap. Vaishnavi, you had enough long break, now don't take any more breaks. Okay, so which of the following structure is homologous to the wings of the bird? बर्ड के विंग्स के साथ कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है? अभी होमोलोगस एनालोगस का पता होना चाहिए. होमोलोगस माने क्या? स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन कुड बी डिफरेंट. ओके, और एनालोगस में क्या होता है? फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली वो जो होता है डिफरेंट होता है. तो होमोलॉजी की अगर बात हो रही है तो विंग्स ऑफ बर्ड मतलब उसके क्या है? फोर लिम्स हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. ये थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा. विंग्स जो होते हैं बर्ड के, वो क्या है उसके फोर लिम मॉडिफिकेशन में, राइट? अगर डॉर्सल फिन की बात करें देन दे डू नॉट मैच. ये बिल्कुल भी शार्क के जो डॉर्सल फिन है, मतलब जो मूवीज में हम देखते हैं कि कोई हीरो या कोई है जो नदी समंदर में है तो उसके पीठ के ऊपर का ये जो फिन दिखता है, जो पानी के सरफेस पर सिर्फ वो फिन दिखता है, वो आने का निशान समझा जाता है. तो ये डॉर्सल फिन उसके लिम का, मतलब किसी भी टाइप के लिम का अंदर उसका इंटरस्ट्रक्चर मैच नहीं करता है.
तो होमोलॉजी में स्ट्रक्चर मैच करना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। सेकेंड, विंग्स ऑफ अ मॉथ, अब ये तो उसका एपिडर्मल एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर भी नहीं हो सका। थर्ड है हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, अभी लिम्ब की बात हो रही है लेकिन कौन सी लिम्ब की बात हो रही है, हाइंड लिम्ब की, सो इट कैन नॉट बी द आंसर। फ्लिपर ऑफ वेल इज अ बेटर वन, राइट, विच इज अ फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन। ओके, सो विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड फ्लिपर ऑफ वेल, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ओके, इन केस ऑफ वेल इट इज स्विमिंग, इन केस ऑफ बर्ड इट इज फ्लाइंग, सो इवन द फंक्शंस आर डिफरेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम एंड दैट इज व्हाट होमोलॉजी मींस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन लास्ट, डी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो लेट मी चेक आउट, अरविंद थोरा वेलकम, आई थॉट टुडे आई एम ओनली लेट बट माई स्टूडेंट्स नेवर लेट मी फील बैड। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में दो स्टेटमेंट दिए ए एंड बी, एंड रिगार्डिंग देम दिस टू स्टेटमेंट फोर ऑप्शंस आर गिवन। सो फर्स्ट, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजर्मेबली अनैरोस। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ऑन द रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, सो फर्स्ट वेर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अराइव वर नॉन ग्रीन एंड अनैरो, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि पहले जो तैयार हुए थे वो एकदम से एरोब तैयार हुए थे, नहीं, पहले तो जो तैयार हुए थे वो अनैरोबिक थे, इसलिए इसीलिए तो एंशियंट टाइम, या फिर एंशियंट भी कम रहेगा, बिल्कुल क्या कह सकते हैं उसे, एकदम शुरुआत का दौर के जब प्रीबायोटिक अर्थ जिसे हम कहते हैं, उस टाइम जो था एनवायरनमेंट वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ठीक है। तो पहले जो बने वो अनैरोब थे, नॉन ग्रीन थे, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते थे, जितनी चीज़ें जिसे सूप कहा जाता है, ठीक है, समंदर, ओ दैट इज मराइन वाटर में जो भी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है उनको वो कंज्यूम करके रहते थे। सो दोज वर नॉन ग्रीन एंड अनैरोब, सो ए इज फाइन, नो प्रॉब्लम विद दिस वन। सेकेंड, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, येस दैट इज ऑल्सो फाइन, सो ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ये भी दोनों भी सही स्टेटमेंट है कि पहला ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक बना वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बना, डायरेक्ट से वो फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं बना, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज फाइन। नेक्स्ट वन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट क्वेश्चन आंसर सेशन, मीन्स आई क्वेश्चन एंड देन यू ट्राई टू आंसर, because I can understand this chapter, how many students can hate this one, everybody has got his or her own reason, so it will waste plenty of time, so to avoid that. Question number 4, analogous structure are a result of, अभी हमने कहा था analogous structure, तो इसको और एक नज़रिए से भी देखा जा सकता है homologous और analogous को, तो एक है convergent evolution, convergent, और दूसरा है divergent evolution। बेसिकली ये वर्ड हम लेंस के बारे में सुनते हैं, तो कॉन्वर्ज माने क्या, कॉन्वर्ज माने ऐसे रेज जो होते हैं वो इकट्ठा आ जाना, इसे कहते हैं कॉन्वर्ज, तो अलग अलग पॉइंट से आ रहे हैं। और डाइवर्जेंट में क्या होते हैं, एक पॉइंट में से अलग अलग दिशा में क्या हो रहे, ऐसे रेज जाना, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट में इकट्ठा आ रहे, इसका मतलब समझो कि ओरिजिनली सबका जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिनली स्ट्रक्चर वो कैसा है, डिफरेंट है, यू कैन से यस वन यस टू यस थ्री, लेकिन यहां पर आने के बाद सभी का फंक्शन जो है वो एक हो गया, ठीक है। और इसमें अगर देखते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, तो यहां पर क्या है कि ओरिजिनली सबका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, लेकिन बाद में वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेशन बोल सकते हैं आप उसे, तो वो वहां पर जाकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट द स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिमेन सेम, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, तो उसको से इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ये किस चीज़ की होगी कि स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट, तो ये बन जाएगा होमोलॉजी या होमोलॉगस ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन सेम, सो इट इज एनालॉजी। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ, नाउ वी कैन आंसर इट वेरी इजीली, इट इज कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन द वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन द स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर अभी देखना होगा, कैट लिजार्ड की जो फोर लिम है वो वॉकिंग में यूज करते हैं, फिर व्हेल के जो फोर लिम्स है वो स्विमिंग में यूज करता है, एंड फोर लिम्स ऑफ बैट यूज इन द फ्लाइंग। तो यहाँ पर ये
क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जाहिर सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, फंक्शन डिफरेंट दिख रहे हैं, सो वॉट इट कुड बी, क्या होगा फिर ये? अगर उनके फंक्शन सभी के जो है डिफरेंट दिखते हैं, कोई उसे स्विमिंग के लिए यूज़ कर रहा है, कोई उसे वॉकिंग के लिए यूज़ कर रहा है, इस तरीके से फंक्शन डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो इट इज़ द केस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और होलोगस ऑर्गेनिज्म, सो सी इज वाई। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, यहाँ पर एनालॉगस स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। सो प्लीज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क, एक ही चीज पर एक ही एरिया पर कई बार क्वेश्चन हो चुके हैं, सो डिड नॉट टू कन्फ्यूज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया था, प्रॉब्लम मतलब नॉट ऑन माय बिहाफ, प्रॉब्लम का मतलब कहने का ये है कि जो तब की जो क्या थी मेडिकल काउंसिल थी, तब लोग उन्होंने जो इसका आंसर दिया था वो गलत था। गलत मतलब वो भी सही था, लेकिन और एक ऑप्शन है जो सही था। सो फोर ऑप्शंस आर देयर, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ पिजन, गिल्स ऑफ प्रॉन, लंग्स ऑफ मैन, थर्ड वो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेनल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर पूछा गया, एनालॉगस। एनालॉगस मतलब क्या कि स्ट्रक्चर चाहे डिफरेंट हो, फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब फंक्शन की भी अगर बात करें तो डॉल्फिन और हॉर्स इनका फंक्शन सेम है क्या? नहीं है, सो वी कैनॉट टेक दिस। ठीक है, थॉर्न और टेंडिल इनका फंक्शन सेम है क्या? नहीं, सो वी कैनॉट टेक दिस। नाउ गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, सो दिस इज फाइन। राइट, दिस इज द आंसर। देन विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, नाउ देर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पर ऐसी बात है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीजें डिफरेंट है, तो इसे क्या कहोगे? दे आर ऑल्सो एनालॉगस सर्वर, इज इट? ये भी कैसे बन जाएंगे, एनालॉगस बन जाएंगे। हालांकि इसमें फंक्शन जो है वो बिल्कुल भी मतलब दोनों में फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर, स्ट्रक्चर डिफरेंट, सो बोथ ऑफ देम आर आंसर ए एंड बी। सो दैट इज वॉट आई सेड दैट इट इज अ चैलेंज आफ्टरवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेम थिंग ऑन द सेम मैटर सेम कॉन्टेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर फ्रेम। तो यहाँ पर ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई की बात हो रही है, इज इट इट कैट? यस इट इज। तो फंक्शन तो सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो वॉट यू से इट इज अगेन एनालॉगस ऑर्गन। लेकिन अभी हमने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा इवोल्यूशन कौन सा एनालॉगस ऑर्गन है। Excuse me. So convergent evolution, analogous organ. So here we can find it out. Convergent and analogous. So second seems to be fine. Okay. Next question number 8. The process by which organism with different evolutionary history evolves similar phenotypic adaptation in response to common environmental challenge is called. Again and again, same thing we are trying to answer. Again it is. See. क्या कहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन है, मतलब दोनों के विंग्स है या फिर दोनों के कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिफरेंट होने के बावजूद वो सेम बने हैं, मतलब फंक्शन सेम है स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कॉन्वर्जेंट। सो ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बन सकता है, इजंट इट? अब नॉन रैंडम नहीं, एडेप्टिव नहीं, नेचुरल सेलेक्शन कोई भी चीज नहीं। ओके, नेक्स्ट, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रेफर्ड एज, व्हाट इज दिस जीन फ्रीक्वेंसी? इन हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन इन प्रीवियस सम चैप्टर, आई थिंक इन जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इन दैट चैप्टर सम प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्वड ओवर दिस पार्ट ऑल्सो। सो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में हम जो बात करते हैं अलील फ्रीक्वेंसी की, सो दोज अलील फ्रीक्वेंसी दे कैन चेंज बाय नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल मीन्स नेचर सेलेक्टिंग, दैट इज दिस सेलेक्शन इज अगेंस्ट द फेवरेबल और अनफेवरेबल फेवरेबल एनवायरमेंट। ओके, बट इफ दिस फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय एनी अदर रीजन अदर देन दिस नेचुरल सेलेक्शन देन इट इज द बाय चांस। ओके, तब इसे हम क्या कह सकते हैं, बाय चांस। और दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी जस्ट बाय चांस दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ देर इज वन assumption in the Hardy-Weinberg equilibrium that there should not be any genetic drift. Okay,
उसमें जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, कि इसमें जब हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम किसी पॉपुलेशन को हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, अब डार्विन के हिसाब से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस वजह से, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड कॉम्पिटिशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, थर्ड रिड्यूस्ड फीडिंग इफिशियंसी इन वन स्पीशीज, एंड लास्ट इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। हियर ऑल्सो द बोर्ड हैव गिवन आंसर एज डी, बोर्ड ने तब का जो बोर्ड था उसने आंसर डी दिया था, और दरअसल आंसर है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो इवोल्यूशन क्यों होते जाता है, हाउ स्पीशीज एडजस्ट और अरेंज देमसेल्व्स, सो इट इज द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सो ए इज द राइट आंसर एंड नॉट इंट्रा स्पेसिफिक विच वॉज लेटर कैंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी दैट ऑकर बाय चांस, अगेन सेम थिंग, जस्ट अ बिट शफल ऑफ वर्ड्स, रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, रैंडम की बात हो रही है, ठीक है, और एक बार वो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बाय चांस वाला, तो बाय चांस अगर ऐसे होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फिर एक बार वही चीज कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो एनीबॉडी ज्वाइन, नो, ओके, नेक्स्ट, फिंच स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड, तो गैलापागोस आइलैंड के जो डार्विन फिंचेस है स्मॉल साइज बर्ड्स, सो उनकी ग्रुपिंग उनके फूड सोर्स के वजह के हिसाब से की है अकॉर्डिंग टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड, तो फिंचेस जो है डार्विन फिंचेस वो इसमें से क्या नहीं खाते, सी डीटर्स, तो ओरिजिनल जो फिंचेस थे वो तो सी डीटर थे तो ये तो नहीं हो सकता, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, कैरी ऑन वी आर नॉट अवेयर व्हाट इट इज, इंसेक्ट वी नो इंसेक्टिवोरस फिंचेस, मतलब जो स्प्रेड होकर के दूसरे आइलैंड पर गए तो वो इंसेक्टिवोरस है, और ट्री बर्ड्स ये खाने वाले भी कुछ थे तो ये भी मतलब क्या है कि उसका फूड है, ठीक है, सीड भी उसका फूड है, क्या है उसका जो फूड नहीं है, सो एटलीस्ट व्हाट वी आर नॉट अवेयर इट इज कैरियन, सो देर इज नो रीजन टू डिस्कार्ड और डिनाई दिस आंसर। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको समझ होंगे कि जो एनसीईआरटी में दिए नहीं है एक तरह से और दिए भी है दूसरे तरीके से, ठीक है, अब इन्होंने नहीं दिया कि वो कैरियन जो है वो नहीं खाता है, कैरियन क्या है, दिस इज डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स, उसे क्या कहा जाता है कैरियन, अब ये चीज़ दी है क्या उन्होंने कि ये नहीं खाता है, लेकिन ये दिया भी तो नहीं है, सो बाय वन वे इट इज गिवन बाय वन वे इट इज नॉट गिवन। इफ आई टेल यू 2019 का अगर पेपर बोलूँ मैं, आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 78 क्वेश्चन वेर देयर विच आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ओके, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनडायरेक्ट थे, मतलब अभी जो हमने 12 नंबर का क्वेश्चन देखा वैसे 6 क्वेश्चन थे, एंड 6 क्वेश्चन वेर टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी, टोटली नॉट इवन इनडायरेक्ट, टोटली आउट, सो माय क्वेश्चन इज दैट ऑन विच पार्ट यू आर गोइंग टू फोकस, 78 प्लस 6 और जस्ट दिस 6, दिस इज माय वेरी यूजुअल क्वेश्चन, ये हमेशा मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कैसे आप इन चीजों को देखोगे, राइट, सो मूव ऑन, यस, सम 40 क्वेश्चंस आर देयर ईशा, सो इफ यू कैन बेयर देन ओनली यू शुड बी हियर, नाउ दोज हु एक्सपेक्ट दैट आई विल ब्रिंग समबडी कैटरीना और हु इज न्यू कमर आई डोंट नो, then it will be disappointing for you, okay, it's the same face boring you since last 2 years, two or more, कम से कम पिछले 2 सालों से वही वो एक चेहरा आप देख करके परेशान हो गए होंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ना, okay, क्यों, yes, anybody has something to say about this, कुछ नहीं कहना किसी को, कह दो, नो आई एम रेडी टू लिसन व्हाट यू कैन से, नथिंग, ओ गॉड, आपसे बात करने की इसमें ये फाइल थोड़ा सा हैंग हो गया ना, और नेट
भी शायद स्लो हो गया, यू माइट बी मिसिंग नो इट्स रिजल्ट। डिस्टर्बिंग में सिस्टम हैंग हो रही है, सो स्पेयर मी फॉर फ्यू मिनट्स। So many programs open. In fact, just 3 or 4 windows are here. But RAM is quite less, so please you can. Give me a second. Okay, so yes, it's fine, but it's fine now. So let us move on. Okay, question number 30. जैसे आप लोग हैंग हो रहे हो ना, तो वैसे ये कंप्यूटर लैपटॉप ये भी चीज़ें हैंग होती जा रही है। सो चलो मूव ऑन। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो देखो डिफरेंट स्पीशीज, एक एरिया के डिफरेंट स्पीशीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू द अदर ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब अलग अलग स्पीशीज है और वो क्या कर रहे हैं कि चालू करते हैं, दे स्टार्ट टू स्प्रेड लाइक दिस, तो वो अलग अलग हैबिटेट में जाकर के क्या हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो अब इसे इस चीज को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, इजंट इट एडेप्टिव रेडिएशन। आंसर इज फाइन, इजंट इट क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये। एक्चुअली इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किस चीज के लिए दिया है, कुछ याद है आपको, इट इज गिवन रिगार्डिंग दैट मार्सुपियल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स है और प्लेसेंटल, दोनों का एडेप्टिव रेडिएशन डायग्राम के हिसाब से शो किया है एनसीईआरटी बुक्स में। तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो सही एग्जांपल यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन सा इसमें का कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो पेयर में ढूंढना है हमको, सिर्फ पेयर ढूंढनी है। सो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, पहले से देखते हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। तो ये कॉन्वर्जेंट का मतलब एक बार इधर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। कॉन्वर्जेंट मीन्स व्हाट, कि अलग अलग ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट है। सो स्ट्रक्चर डिफरेंट, ओके, और फंक्शन जो है सेम रहेगा। और डाइवर्जेंट में इसके एग्जैक्टली अपोजिट, यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा और फंक्शन जो है वो डिफरेंट रहेगा, लाइक दिस। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, सो इट्स फाइन एट दिस साइड। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, तो सभी वर्टिब्रेट के बोन्स के स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है, सेम तो नहीं कहा जा सकता, सिमिलर कह सकते हैं, फंक्शन डिफरेंट है, सो दिस इज फाइन। सो फर्स्ट शुड बी द आंसर। सेकेंड, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, सो व्हाट वी कैन से, यस, स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक्सिलरी बर्ड से दोनों बने, तो ये ठीक है, फंक्शन डिफरेंट है, ओके, नो सॉरी आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हमें ढूंढना है यहाँ पर, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, इनका फंक्शन ये हो गया, फंक्शन जो है डिफरेंट है, थॉर्न्स प्रोटेक्शन के लिए और टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग के लिए, तो ये नहीं हो सकता। तीसरे में क्या है, बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, तो ये कॉन्वर्जेंट, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम है क्या इनमें, नहीं है, फंक्शन सेम नहीं है, फंक्शन डिफरेंट है, अलग अलग वर्टिब्रेट बर्ड अलग चीज के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, अगेन सेम थिंग, क्या बोल सकते हैं अभी, ये इधर बैठेगा, नहीं, सो ओनली द फर्स्ट पेयर इज फाइन,
नेक्स्ट वन, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर बाय, तो म्यूटेशन का आइडिया किसने लाया था? म्यूटेशन बेसिकली सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको किसी चैप्टर में बताया था कि सोर्स ऑफ वेरिएशन दो हो सकते हैं, एक तो म्यूटेशन और दूसरा क्रॉसिंग हो। तो म्यूटेशन की आइडिया सबसे पहले किसने लाई? इट वॉज बेसिकली ह्यूगो डी वरीज़ हु ब्रॉट दिस इन द इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज में जो चेंजेस होते थे उसे ह्यूगो डी वरीज़ ने कहा कि ये उसके म्यूटेशन के वजह से हो रहे, और ये म्यूटेशन की जो लार्ज स्केल थे बड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में या बड़े ज़्यादा लेवल पर ये चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ह्यूगो डी वरीज़ ने म्यूटेशन को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा, किस चीज़ के लिए? इवोल्यूशन के लिए। तो ये उसकी इवोल्यूशन वाली थ्योरी हो गई, जिसमें वो किसे क्रेडिट दे रहा है? म्यूटेशन को, राइट। ग्रेगर मेंडल पाइसन से टाइप, अब ये क्या बोला जा सकता है? म्यूटेशन का है क्या उसका? नहीं है। हार्डी वेनबर्ग, उसने भी म्यूटेशन को नल कंसिडर करके वो इक्वेशन बनाया है। और चार्ल्स डार्विन, अब वो नेचुरल सेलेक्शन वाली थ्योरी देता है, वो थोड़ी म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है। सो ओनली इट इज सेकेंड, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, हालांकि ह्यूगो डी वरीज़ ने जो इवनिंग प्राइमरोज़ पे बोला था वो नहीं था, वो जो है वो म्यूटेशन के वजह से नहीं थे, ये रॉन्गली क्या कह सकते हैं उसे, इंटरप्रेटेड दैट थिंग्स, लेकिन ही प्रपोज द गुड इनफ थिंग, मतलब एक अच्छी खासी कॉन्सेप्ट उसने ला दी म्यूटेशन की। हालांकि जिस चीज़ पर उसने डिस्कवरी की थी वो उसमें म्यूटेशन नहीं थे। वॉट एवर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। अब ये इसके लिए ऐसे कुछ एक दो तीन क्वेश्चन है, सो आई हैव ब्रॉट सम टू मेक दिस थिंग्स प्रीटी क्लियर। आई हैव कलेक्टेड द ब्रेन कैपेसिटीज, इनके जो ब्रेन कैपेसिटीज का जो चार्ट है वो मैंने कैसे हासिल किया है, सो हियर इट इज फॉर यू। सो आई डोंट थिंक यू कैन सी, आई हैव टू जूम इट इन, कैन यू सी दिस नाउ? यू मस्ट बी। सो ब्रेन कैपेसिटी, स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी यहाँ इसमें से किसकी है? वी कैन सी नियंडरथल्स 1450, होमो एबिलिस 700 to 800, होमो इरेक्टस 900, होमो सेपियन 1400। सो हु इज एट द लिस्ट? होमो एबिलिस, राइट। सो सी शुड बी द आंसर। ओके, सो हियर सी शुड बी द, इज इट सी? सॉरी, हियर हियर इट इज, सी इज द आंसर, राइट। ओके, यू कैन सी हियर होमो एबिलिस, वेयर इज इट? इन द फर्स्ट चार्ट, यस इट इज द सेकेंड। सो यू कैन मेमोराइज दिस वन, इसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख करके याद करने की कोशिश भी कर सकते हो। जैसे यच है सबसे कम वाला, फिर उसके बाद जो बढ़ता है वो है ई, राइट, फिर उसके बाद में जो बढ़ रहा है वो है सेपियंस, और लास्ट में है नियंडरथल्स। सो इसमें से कुछ शॉर्ट फॉर्म बनता है तो ईशा जैसे लोग, उनकी आप मदद ले सकते हो, दे आर टू मच क्रिएटिव, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेट विद मी अप टू 40? व्हाट 340 यू वांट टू से? क्वेश्चन नंबर 17, पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ। अब पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, कब? जब म्यूटेशन नहीं होंगे, जब माइग्रेशन नहीं होगा, जब पॉपुलेशन लार्ज रहेगा, या इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिवली। तो बेसिकली हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के जो एजम्पशंस है कंसिडर करके जो चीज़ें बोली गई थी कि तभी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है, उसमें वही चीज़ें हैं कि वहाँ पर म्यूटेशन नहीं होने चाहिए, वहाँ माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, एंड पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। अगर ये तीन चीज़ें होती है तभी HW या दैट इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। When it is not possible, when there is selective mating, मतलब जैसे अगर इंसानों में देखें तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हमें शायद देखने को ना मिले, क्यों? क्योंकि इंसानों में जो है वो सेलेक्टिव मेटिंग है। Nowadays this point is under good enough discussion all over the world. Okay, that due to that Black Lives Matter. Now what we see that at least in India में ऐसा है कि मैरिजेस जब होते हैं तो फेयर कलर को बहुत चूज किया जाता है, प्रिफरेंस दिया जाता है, इज इट? सो दैट इज अ सेलेक्टिव मेटिंग, एंड व्हेनेवर देयर इज सेलेक्टिव मेटिंग
अगर बेटिंग इंडिविजुअल के दरमियान अगर सेलेक्टिवली हो रही है, विच इज़ नॉट ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल रीजन, इसमें एनवायरमेंट का कोई भी रोल नहीं है, जस्ट कि लाइक करते लाइक नहीं करते इस तरीके की चीज़ें, तब वहाँ पर ESW इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो हो सकता है कि इस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि इन वाई इन ह्यूमन बींग हार्डी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, सो रीजन इज सेलेक्टिव मेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, डिस्टर्न मिटुलारी एंड डिस्टर्न कार्बोनेरिया, आई होप यू कैन रिमाइंड इट। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नेचुरल सेलेक्शन, म्यूटेशन, नियो लैमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, व्हाट यू से? इट इज जस्ट नेचुरल सेलेक्शन, इजंट इट? नेचर हैज सेलेक्टेड, राइट? तो नेचर ने सेलेक्ट कर लिया किसे? पहले जो थे वो ब्लैक की जो संख्या थी वो कैसे थी? कम थी, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया तो ब्लैक जो थे उनकी संख्या बढ़ गई और जो ग्रे थे उनकी संख्या कम हो गई, राइट? सो दिस इज द केस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। नेक्स्ट, डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एरा, सो इसमें से कौन से एरा में? डिवोनियन, देन सीनोजोइक, ज्यूरासिक, मीजोजोइक। सो इस चीज़ के आंसर के लिए एक एनसीईआरटी की कटिंग मैंने अलग करके रखी थी, सो दिस वन इट इज, हैव लुक एट दिस, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। सो यू कैन सी ऑन दिस रेड रेड स्ट्रिप, यहाँ पर जो रेड स्ट्रिप आपको दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड, दिस रेड स्ट्रिप यू कैन सी, सो इट इज द वन विच रिप्रेजेंट एरा। ओके, सो जुरासिक इज नॉट एरा, सो मीसोजोइक हियर यू कैन रीड। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द एरा। ओके, बिकॉज जुरासिक इज इन दैट मीसोजोइक एरा। फाइन, नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन हु लिव 1,00,000 to 40,000 ईयर्स एगो इन यूरोप एशियन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका विथ शॉर्ट स्टेचर हेवी आईब्रोज रिट्रेटिंग फोरहेड्स लार्ज जॉज विथ हेवी टीथ स्टॉकी बॉडीज लुम्बरिंग गेट एंड स्टॉप पोस्चर, सो मेनी थिंग्स आर गिवन, सो ऑल दिस फीचर टू हुम दे आर एप्लीकेबल, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो दीज आर द फीचर्स विच आर विद द नियंडरथल ह्यूमन। Okay, so the right answer for this question, it is option B, it is Neanderthal human, please remember this one, 1,00,000 to 40,000 years ago, just before human being, and they have got cranial capacity a bit larger than human even, okay, at least by 50 cc. What was the most significant trend in the evolution of modern man? Homo sapiens, from his ancestor. तो कौन सा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है? क्या पोस्चर अपराइट हुआ है, या फिर जॉज शॉर्टन हो गई है, या फिर बायनोक्युलर विजन हुआ है, या फिर ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती गई है? सो व्हाट ट्रेंड यू ऑब्जर्व इन द इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियन? सो इट इज ऑब्वियस, इट इज इंक्रीजिंग द ब्रेन कैपेसिटी। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डीवर इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जस्ट आई हैव टोल्ड यू इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बोलने में जब होड़ लगी थी, देन ह्यूगो डीवर इज ब्रॉट विथ हिज म्यूटेशन थियरी इन दैट इवनिंग प्राइमरोज। सो म्यूटेशन जो है वो लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पे वो चेंजेस करवा सकते थे, तो ऐसे लार्ज स्केल चेंजेस को कहा जाता है सॉल्टेशन। यू नीड टू रिमेंबर सॉल्टेशन का अदरवाइज मतलब क्या होता है? जंप, लॉन्ग जंप, सॉल्टेशन का मतलब होता है सॉल्टिटरी मूवमेंट में आता ही है, तो ऐसे लॉन्ग जंप म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। ओके, नॉट माइनर म्यूटेशन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फिर एक बार डाइवर्जेंट की बात हो रही है, मतलब क्या है होमोलोगस ऑर्गन की, सो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी इनकरेक्ट मतलब हमें क्या बोलना है? अभी जो डाइवर्जेंट नहीं है मतलब क्या है? वो क्या ढूंढना है हमें यहाँ पर? बेसिकली वॉट वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट, इट इज कॉन्वर्जेंट हमें ढूंढना है। कॉन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? एनालॉगस होता है, तो एनालॉगस कौन सा है ये ढूंढना है हमें। ओके, सो ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, बैट मैन एंड चीता दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, सो दैट कैनॉट बी एनालॉगस। देन हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, फिर एक बार वही ग्रुप है, ऑल ऑफ देम फ्रॉम मैमल्स। देन फोर लिम्स ऑफ मैन बैट चीता, देन आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन। अब यहाँ पर जो है हमें एनालॉजी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्टोपस डिफरेंट, इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री टोटली डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, नो बैट एंड मैन दे कैन हैव सिमिलर, बट ऑक्टोपस नो, इट कैन नॉट।
The similarity of bone structure in the four limbs of many vertebrate is an example of. तो वर्टिब्रेट अलग अलग वर्टिब्रेट के फोर लिम्ब के स्ट्रक्चर की जो सिमिलैरिटी है उसे हम क्या कहेंगे? इजंट इट एन होमोलॉजी? क्या रहेगा ये? होमोलॉजी, स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट. नेक्स्ट, मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज. अगेन सेम थिंग. सो अगेन आई कैन ब्रिंग दैट वन. सो यू कैन पुट इट लॉन्ग विथ. So we can easily answer now. Okay, so Homo habilis at the least side, isn't it? So somewhat numbers are changed. यहाँ पर जो है number exactly match नहीं करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा approximation करना होगा. यहाँ पर 700 to 800 दिया है, तो यहाँ पर minimum वाला कौन सा है? This one. Oh God. I always miss the color. Okay, so ये हो गया. तो ए का 3 आ रहा है. देन बी क्या है? होमो नियंडरथल, उसका तो सबसे ज्यादा है. सो वी कैन पेयर. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा है? 1350 एंड 1400. सो लास्ट इज 5. होमो इरेक्टस है. होमो इरेक्टस 900. तो ये रहा 900. एंड देन फाइनली होमो सेपियंस, तो उसे दे देते 1350. ठीक है, तो क्या बन जाता है? ए का 3 और बी का क्या है? बी का है 4, राइट? और फिर सी का क्या था इसमें? इरेक्टस का 1 और डी का 2. तो कौन सा है? ए 3 बी 4. ए 3 बी 4, जैसे इट इज सेकेंड वन. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ हार्डी मेंबर का प्रॉब्लम है. जीन लोकस हैज 2 एलील, कैपिटल एल, स्मॉल एल. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.4, एंड देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. तो यहाँ पर देखना होगा ए की फ्रीक्वेंसी, हमको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्यू. ठीक है, तो पी की वैल्यू कितने दी है? जी लोकसाइज अलील ए की दी है कितनी? 0.4. और फिर क्यू की कितनी आएगी? 1 माइनस अगर कर देते तो 0.6 आ जाएगी. अब क्या पूछा है इन्होंने? देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए. दूसरा क्या पूछा है? होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल ए. और फिर पूछा है कैपिटल ए स्मॉल ए. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? पी स्क्वायर, इसकी रहेगी क्यू स्क्वायर और इसकी रहेगी 2PQ. सो इट इज क्वाइट सिंपल नाउ. पी स्क्वायर मतलब 0.16, क्यू स्क्वायर मतलब 0.36 और 2PQ माने कितना आएगा? 0.48. समेशन शुड बी 1. ओके, सो 1636.48. सो वेयर इज इट? ओके, इन्होंने स्प्लिट करके दिया है. कैपिटल ए कैपिटल ए 0.16, तो ये ठीक है. कैपिटल ए स्मॉल ए 0.24 दिया है, तो ये पहला नहीं होगा. दूसरे में क्या है? कैपिटल ए 0.6, स्मॉल ए 0.48 दिया है. इज इट ट्रू? नो, ये दूसरा भी नहीं लगता है. ठीक है, फिर क्या है? सी कैपिटल ए 0.16 और कैपिटल ए स्मॉल ए का 0.36. नहीं, चौथा नहीं. सभी में गलत लग रहा है, तो क्या ऑप्शन? लेट मी चेक इट आउट. इसको ठीक से रखने दो पहले, कभी कभी ना दिखने के. हाँ, अभी इसको ठीक से देख सकते हैं. अननेसेसरी कहीं पर इंटरप्रेस हो गया था. ओके, अब देखते हैं. कैपिटल ए 0.16, इज इट ट्रू? यस. दूसरा स्मॉल ए का कितना है? 0.36. यस, इट्स ट्रू. एंड यहाँ पर एक ए मिस कर गया. आई थिंक कैपिटल ए शुड, इट इज मिसिंग हियर, तो दैट इज व्हाई. ओके, सो इट्स 0.48. यस, सेकेंड इज राइट आंसर. ओके, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए. आई होप यू नो. यस, 26B, वैष्णवी, राइट. इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न स्पीशीज फ्रॉम 2 to 5 kg. 998 of the newborn with average weight between 3 to 3.3 kg survive.
Whereas 99% of the infant born with a weight of 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which of the selection process is taking place? Now, this question, there is one interesting diagram. I hope you know that diagram. Here, यहाँ पर जो है ये डायग्राम आपको जो दिया है रिगार्डिंग सिलेक्शन, तो ये डायग्राम अभी अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो सब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला आप देखते हो, तो इसमें क्या दिखता है हमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखता है, इस डायरेक्शन में, राइट। ये जो है इसमें क्या दिखता है हमें, अराउंड सेंटर वैल्यू फोकस हो रहा है। और इसमें क्या दिखता है कि दोनों पीक्स है वो सेलेक्टेड है, और जो एवरेज वैल्यू है उनके सर्वाइवल रेट कम है, ठीक है। मतलब इसमें फर्स्ट केस में हमें क्या दिखता है कि जितना बढ़ता जाएगा वजन उतने ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, अगर ऐसा रहता तो। इसमें क्या दिखेगा, एवरेज वेट वाले ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, ना ज़्यादा वेट वाले सर्वाइव करते हैं ना कम वेट वाले सर्वाइव करते हैं। और तीसरे में क्या दिखता है कि कम वेट वाला भी सर्वाइव करता है, ज़्यादा वेट वाला भी सर्वाइव करता है, एवरेज वेट वाले की डेथ होती है। तो इनके नाम कैसे है, ये हो गया डायरेक्शनल, ओके। ये दूसरा है स्टेबलाइजिंग, और तीसरा है डिसरप्टिव, ठीक है। तो यहां पर अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी केस दी है। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। तो एक स्पीशीज है जिसमें वजन की जो रेंज है वो कैसी है, 2 to 5 kg के बीच में है, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 kg, लाइक दिस, ठीक है। देन 99% ऑफ द न्यू बॉर्न विथ एवरेज वेट ऑफ 3 to 3.3 सर्वाइव्स। तो जिनका वजन 3 to कितना है, 3 to 3.3, ये कैसे 99% सर्वाइव कर रहे हैं। वेर एज 99% ऑफ इन्फेंट बॉर्न विद द वेट ऑफ 2 to 2.5, मतलब इसके पहले वाला रेंज 2 to 2.5, इनकी क्या हो रही है, डाई, दैट इज ये नहीं सर्वाइव कर रहे 2 to 2.5 वाले। और दूसरे को से 4.5 to 5 वाले, इनके भी 99% क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो सर्वाइव करने वाला जो है फिगर वो कौन सा है, सेंटर का, इसका मतलब कौन सा, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इजंट इट, ठीक है। विच वी कैन सी हियर इन दिस वन, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। सो ऑप्शंस, इट इज ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट, वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय ह्यूगो डी वरीस। फिर एक बार वही चीज, ह्यूगो डी वरीस वाला क्वेश्चन म्यूटेशन को जो बोल रहा है, तो म्यूटेशन कैसे चाहिए, रैंडम डायरेक्शनल लेस, स्मॉल डायरेक्शनल, स्मॉल डायरेक्शनल लेस, रैंडम डायरेक्शनल। सो वॉट कुड बी द आंसर, इट इज रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ओके। तो म्यूटेशन कैसे होनी चाहिए, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, मीन्स नॉट इन अ पर्टिकुलर एफर्ट, वो अपने आप तैयार हो रहे लेकिन कोई खास पर्पज से वो तैयार नहीं होते, दे आर प्रोड्यूस रैंडमली, नाउ इवेंचुअली दे आर बेनिफिशियल, ठीक है। कोइंसिडेंटली वो बेनिफिशियल हो सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से वो हासिल नहीं किए जाते, दैट इज वाई वी से दे आर डायरेक्शन लेस। नाउ एम्स क्वेश्चन, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, विंग्स ऑफ पिजन मॉस्किटो एंड बैट शोज व्हाट, क्या होगा, पिजन मॉस्किटो बैट, मॉस्किटो मैंने बोला एपिडर्मल एक्सटेंशन है उनका वो, तो ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, सो इट इज द केस ऑफ कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में क्या होगा, कॉन्वर्जेंट में क्या रहता था, अभी मैंने बोला था बिल्कुल शुरुआत में, कॉन्वर्जेंट में क्या है कि सब इकट्ठा आ रहे, मतलब सभी का जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, सो दिस इज द आंसर। डाइवर्जेंट में क्या था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर सबका सेम था लेकिन अलग अलग फंक्शन, अलग अलग एनवायरमेंट में जाते हैं वो, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये फॉर्मोलॉजी थी डाइवर्जेंट वाली। सो हियर पिजन मॉस्किटो बैट अलग अलग थे, वो एक मैमल है, दूसरा इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा से आता है, पिजन एंड बैट बोथ ऑफ देम आर मैमल्स, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लैमार्किज्म। लैमार्किज्म के इससे क्या एक्सप्लेन नहीं होता है, क्या था लैमार्किज्म, जिराफ वाला था क्या लैमार्क का। सो एब्सेंस ऑफ लिप्स इन स्नेक्स, देन लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, डीजनरेशन ऑफ विजुअल अपैरेटस इन केव ड्वेलर्स एंड डल प्रोजेनी ऑफ अ नोबेल लॉरेट। तो नॉट एक्सप्लेन की बात हो रही है, कैन नॉट एक्सप्लेन। तो लैमार्क क्या कहता था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो है वो रहता है, मतलब अगर कोई कैरेक्टर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को एज अ गिफ्ट मिल जाएगा। तो नोबेल लॉरेट बहुत टैलेंटेड
जीनियस बंदा होना चाहिए, अब उसका कैरेक्टर उसके बच्चे भी होने चाहिए क्या? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट वेन एवर टावरिंग पर्सनैलिटी, कोई अगर बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी अगर आपने देखी है तो उनके लड़के लड़की देखेंगे तो आपको वो बहुत ही डफर दिखेंगे। तो ये तो लैमार्किज्म को चैलेंज है, दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द लैमार्किज्म, इजंट इट? नेक्स्ट, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, टेरियल ऑफ कुकरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ अगेन सेम थिंग, फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम, सो दे आर द होमोलोगस ऑर्डर, डिड नॉट वेस्ट ओवर सच क्वेश्चन। नेक्स्ट, फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन द वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन द स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ, सेम क्वेश्चन आई थिंक वी हैव कम अक्रॉस, इजंट इट? सो व्हाट इज द आंसर, फंक्शन इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज सेम, इट इज होमोलोगस ऑर्डर। Next one, now look at this diagram and label it properly. So A, then B. So A are electrode. So need to look at the options properly. So every option say A are electrode. Then what about the B? B, these are the gases. This is the experiment, Urey and Miller experiment. I hope you know this one. Okay. So B में जो है वो gases होने चाहिए। तो कितने ऑप्शन बी में गैसेस को दिखा रहे हैं, डी बताता है, सी भी है, बी और ए सभी बता रहे हैं, लेकिन कौन से बता रहे हैं वो भी तो देखना जरूरी है। अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन इन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में अमोनिया, हाइड्रोजन, CO2 और मीथेन, चौथे में, तीसरे में क्या है, अमोनिया और वाटर सिर्फ, और चौथे में क्या बता रहा है, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर एंड मीथेन। तो देखना होगा अभी ये चीज़ें कितनी मैच करती है। ठीक है, तो CO2 था लिया था क्या उसने, आई डोंट थिंक। ओके, सी के बारे में देखते हैं, तो सी कंडेंसर है, सी में कोल्ड वाटर छोड़ा जाता है, सो सी शुड बी कोल्ड वाटर विच इज गिवन देयर इन ए। ठीक है, इधर इसमें क्या बोल रहा है, सी हॉट वाटर, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। सी में क्या कह रहा है, सी हॉट वाटर, ये भी गलत हो गया, और डी में सी को क्या बोल रहा है, स्टीम बोल रहा है, नहीं, सो ए इज फाइनल आंसर, राइट? इवन वी डिड नॉट टू थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, खाली वो कंडेंसर है और वो जो भी गैसेस है उनको कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में लाने वाला है। ये अगर इतना भी पता है केमिस्ट्री में, अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो आप बहुत ईजिली इसको पकड़ सकते हो। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर जीन विद ओनली टू एलील्स। अभी पॉपुलेशन है, दो एलील की बात हो रही है, उनकी जीन फ्रीक्वेंसीज दिए है कैपिटल ए 0.7, तो अभी जो हमने किया था उसी हिसाब से पी इक्वल्स टू 0.7, ठीक है, इतना मिल गया, तो इसके हिसाब से हम क्यू बोल सकते हैं 0.31 माइनस किए तो, देन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का क्या होगा, 2PQ, तो कितना आएगा ये 0.42, इजंट इट? 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2, so 0.42 second is the answer. Next, according to Hardy-Weinberg principle, alleles and genotype frequency in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. ठीक है, तो ये पूरा Hardy-Weinberg equilibrium का consideration दिया है, क्या है, और it makes several assumptions which were given below. So random mating, sexual reproduction, non-overlapping generation, occurrence of natural selection, small size of population, identify two assumptions which do not meet for a population to reach Hardy-Weinberg equilibrium. तो कौन सी चीज़ है जो Hardy-Weinberg ने consider नहीं की थी, जो उसमें नहीं थी? तो अभी हमने देखा था लार्ज पॉपुलेशन तो ज़रूरी है होने के लिए, स्मॉल साइज में नहीं मिल सकता ये, तो ये स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन ये पाँच बार नहीं होना चाहिए, दो चीज़ें हमें ढूंढनी है कि जो मैच नहीं करती है। ठीक है, तो फिफ्थ इज फाइन, देन नेचुरल सिलेक्शन तो होना चाहिए, चौथा तो नहीं आएगा, तो पांचवे के साथ चौथा मतलब ये पहला तो गया, अभी चौथा किस में है, ये लास्ट वाला भी गया, अभी बचे कौन से, बी और सी, उसमें क्या है, 2 and 4, 3, 4 and 5, तो ये पांच नहीं है, राइट, ये भी गया, तो राइट आंसर क्या, वो कौन सा हो गया, बी, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग फ्यू थिंग्स केयरफुली। अब सेकेंड क्या, एक बार देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके बारे में भी बात नहीं होती है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ था क्या उधर, नो, देयर वाज नथिंग लाइक दिस, ओके, सो
टू एंड फाइव सीम्स टू बी फाइन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नीड टू लुक एट द थिंग, स्मॉल साइज इज फाइन, वो नहीं था, वन सेकेंड आई थिंक थोड़ा गलत कर रहे हैं। डू नॉट मीट फॉर अ पॉपुलेशन टू रीच आर डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जस्ट अ सेकेंड, पिक अप द राइट पेन, यस। सो डू नॉट मीट, तो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन इट कैन नॉट मीट, सो नो, पांच नहीं है उनको हमको निकालना पड़ेगा, बिकॉज देर इज निगेशन, डू नॉट मीट की बात हो रही है ना। सो फाइव शुड बी देयर, तो पांच इसमें भी है, इसमें भी है, किसमें नहीं है, ये सेकेंड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है, तो ए या सी दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। अब ए क्या कह रहा है, चार और पाँच, और ये क्या कह रहा है, तीन चार पाँच, तो हमें तीन को ही चेक करना होगा सिर्फ। अभी तीन का क्या है, थर्ड नॉन ओवरलैपिंग जनरेशन, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होती है कि जनरेशन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग की बात, ठीक है। जब ये बैक क्रॉस होते हैं तो उसे नॉन ओवरलैपिंग जनरेशन कहा जा सकता है, बैक क्रॉस अगर हो रहे तो जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं है हार्डी वेनबर्ग में। सो सी इज नॉट पॉसिबल, सो ए इज द आंसर, प्लीज गेट इट करेक्टेड, ओके। सो ए इज द राइट आंसर, ओके। बैक क्रॉस के बारे में मतलब ऑस्प्रिंग और पेरेंट के बीच का जो क्रॉस होता है उसमें नॉन ओवरलैपिंग जनरेशन होते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट सिमिलर टू मॉडर्न मैन, जावा मैन, नियंडरथल, होमो हैबिलिस, क्रोमैग्नन। सो इट इज, इट शुड बी नियंडरथल इजंट इट, या क्रोमैग्नन, नो नॉट नियंडरथल, इट इज क्रोमैग्नन, सॉरी क्रोमैग्नन मैन, रिगार्डिंग क्रैनियल कैपेसिटी एंड ऑल रेस्ट ऑफ द फीचर्स लाइक बाइपेडल लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर एंड ऑल दैट। सो क्रोमैग्नन इज द क्लोजेस्ट वन, नॉट द नियंडरथल, ओके, जस्ट बिफोर ह्यूमन बींग क्रोमैग्नन वर देयर। देन रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग एंड लिविंग फॉसिल्स आर यूज्ड फॉर, नाउ रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग एंड लिविंग फॉसिल्स आर यूज्ड फॉर, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बायोलॉजिकल एज, जियोलॉजिकल एज, एज ऑफ रॉक, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉट वी कैन से, अगर फॉसिल्स यूज किए जा रहे हैं, खास करके फॉसिल तो लिविंग के ही होते हैं, सो इट मस्ट बी बायोलॉजिकल एज, इजंट इट। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म, तो किसने जो इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया था वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिवरिस। डार्विन ठीक है, लैमार्क गलत था, ह्यूगो डिवरिस ठीक ठाक था, देन एनैक्सिमेंडर, डार्विन, माल्थस, माल्थस और डार्विन ठीक है, रेडी, रिस्टर, कोवियर, देन लैमार्क, हार्डी, वेनबर्ग एंड डार्विन। सो टफ कॉम्पिटिशन, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन करनी पड़ेगी। सो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म में डार्विन और ह्यूगो डिवरिस तो ठीक है, लैमार्क का जो था, लैमार्किज्म का कॉन्सेप्ट उतना ठीक ठाक नहीं है, ओके, दिस इज टफ कॉम्पिटिशन। 2018 से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, फॉलोइंग एक्सप्लेन इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। अब माल्थस एक्चुअली डोंट से एनीथिंग रिगार्डिंग द इवोल्यूशन, देन रेडी हैज डिफरेंट आइडियाज, रेडीज के आइडियाज जो थे थोड़े से डिफरेंट थे, कोवियर तो यहाँ पर आता ही नहीं है, आरडी वेनबर्ग ऑल्सो हैज डिफरेंट व्यूज, तो आरडी वेनबर्ग भी इवोल्यूशन के फॉर्म में बात नहीं करता है उतना। सो द राइट आंसर शुड बी मीन्स, अब ये कैसा हो गया, चार गलत चीज़ें दी उसमें से एक कम से कम गलत कौन सी, ये अगर ढूंढना पड़ेगा, देन ए सीम्स टू बी फाइन, एटलीस्ट दे टॉक अबाउट द इवोल्यूशन, ओके, उन्होंने कुछ ना कुछ इवोल्यूशन के बारे में बताया तो है। देन सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड, सो ऑप्शंस आर मींस सीक्वेंस नंबर वन परमियन, टू ट्रायसिक, थ्री जुरासिक। सो जस्ट फ्यू क्वेश्चंस बैक आई ब्रॉट दैट, आई थिंक इज इट देयर विद मी, यस इट इज देयर, जस्ट अ सेकेंड, इसे अपनी जगह पर रख देते हैं, तो ओके हियर इट इज, नाउ लुक एट दिस,
stretch it a bit for you. So you can see Permian, Triassic, Jurassic, it is like this. So sequence is fine, 1, 2, 3. So first option is fine. Okay. So this is okay. No problem with this one. Okay. What was the reason of mass extinction during Mesozoic era? Mesozoic era में जो extinction हुआ, particularly किसका? Dinosaurs का. तो उस extinction के लिए क्या major responsible चीज़ क्या थी? वो ढूँढनी है. So meteoroid falling on the continental drift, glaciation, volcanic eruption. So it is meteoroid falling on the. अब जिन लोगों की थोड़ा बहुत extra reading है, वो ऐसी चीज़ें समझ सकते हैं. These are just considerations. ठीक है, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है कि ऐसा हुआ होगा. नेक्स्ट फ्यू जस्ट टू क्वेश्चन फॉर एसर्शन एंड रीजन. सो यस आई कैन सी सम ऑफ यू आर आंसरिंग, लेकिन अगर रुकूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा. सो आई एम टेकिंग इट इन एक्सप्रेस वे. Natural selection is the outcome of difference in survival and reproduction among the individuals that show variation in one or more trait. क्या कहता है? Natural selection outcome है किस चीज का? Difference in survival and reproduction among individuals that show variation in one or more trait. तो बिल्कुल सही चीज दी है कि natural selection किस चीज का outcome है कि एक species के कुछ member है, उनमें अलग अलग characters है, variation है, और उनमें जो survival और reproduction है उसमें difference है. तब जाके क्या होगा कि जो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे उन हम कहते हैं कि उनका नेचर ने उनका सिलेक्शन कर दिया, और जिनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन कम है हम कहते हैं कि नेचर ने उनको रिजेक्ट कर दिया उनके कुछ गलत वेरिएशन के वजह से कि जो एनवायरनमेंट के लिए मैचिंग नहीं थे. रीजन, अडेप्टिव फॉर्म्स ऑफ अ गिवन ट्रेड टेंड टू बिकम मोर कॉमन, लेस अडेप्टिव वंस बिकम लेस कॉमन और डिसअपीयर. सेम थिंग एक्सप्लेन, जो भी मैंने बोला वही चीज़ दी है कि अडेप्टेशन है कोई किसी ट्रेड के, कंसिडर किसी ट्रेड के किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ अगर अडेप्टेशन है तो वो क्या होगा, मोर और मोर कॉमन, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन में वो दिखने लगेगा. और अगर कोई लेस एडेप्टिव है, मतलब उतना ज़्यादा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, देन इट विल बिकम लेस कॉमन और डिसअपीयर. सो आई थिंक ए इज फाइन. यस, ए इज द आंसर. देन एसर्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट इवॉल्व इन द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. तो बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले अर्थ पर बने थे प्रीबायोटिक अर्थ पर, सो दोज वर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. रीजन, ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली. और ये सब लाइफ फॉर्म जो थे पहले पानी में बने थे. दोनों चीज़ें सही है बट सेकेंड कैनॉट बी द एक्सप्लेनेशन और रीजन. सो आंसर फॉर सच क्वेश्चन इट बिकम बी, इजंट इट? सो वेयर आई, ओके, सो बी इज द आंसर फॉर सेकेंड वन. सो विद दिस वन वी आर एट एंड ऑफ द सेशन. हम सेशन के एंड में आते हैं. सो Isha can guess now. This is the time to lecture you. Nothing like that. Who am I to lecture you? Because my time is over. This is 1st of July, isn't it? तो वैसे तो आपका academic year खत्म हो चुका है. So I have got no right to lecture you right now. What I can do, I can wish good for you, wish best for you. Okay. And I can tell you something good. Obviously, it is not going to be a lecture. So those who are interested or those who are feeling somewhat depressed, they can call me personally. I will help them to sort it out. ठीक है, तो मेरा नंबर तो सभी के पास है. अगर आपको स्टडी करने में मन नहीं हो रहा है या फिर ऐसा लगता है कि पढ़ने के बावजूद भी हर चीज़ हम भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे लोग इनके पास मेरा नंबर है, दे कैन कॉल मी पर्सनली. दिस इज़ द टाइम वेन यू नीड समबडी टू शेयर दिस थिंग्स. ओके, एंड आई थिंक आई एम नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. Okay, because in last 2 years I have maintained kind of quality relation with my students. So yes, you can call me. I will be here to help you out. So let us wind up this session with this note. Tomorrow we'll again meet in the next one, next forthcoming episode of the next chapter. Till then, have a nice time. Take very good care of yourself because corona is on the spike. कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. सो स्टे एट द होम ओनली. थैंक यू.